नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके पास सरकारी नौकरी पाने का जबरदस्त मौका है, क्योंकि उप निरीक्षक SI सब इंस्पेक्टर के 452 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। इसके लिए कब से आवेदन होगा, कब तक आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके लिए चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, पूरी जानकारी A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं उप निरीक्षक के लेवल 6 का सैलरी है, 35,400 इसका बेसिक पे रहेगा। चिकित्सक मानक जो है B1 ग्रेड का रहेगा और आयु सीमा की बात की जाए तो 20 से 28 वर्ष रहेगा और कुल पोस्ट है 452। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा यह आवेदन मंगाए जा रहे हैं। 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई 2024 निर्धारित है। संशोधन के लिए के साथ यदि आप फॉर्म फिलअप करते समय कोई मिस्टेक कर देते हैं तो इसके लिए संशोधन का समय दिया गया है 15 से 24। लेकिन दोस्तों, आप फॉर्म फिलअप करते समय सावधानीपूर्वक भरेंगे, क्योंकि यदि आप फॉर्म फिलअप करते समय मिस्टेक करते हैं तो इसके लिए आपसे 250 संशोधन शुल्क लिया जाएगा। जितने बार आप संशोधन करोगे उतने बार 250 लिया जाएगा। तो इसलिए आप फॉर्म फिलअप करते समय ध्यानपूर्वक फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण इस बार, ठीक है, एक बार के उपाय के रूप में, मतलब कोविड-19 के कारण कई अभ्यर्थी भर्ती पर चूक गए थे, इसलिए 3 साल की छूट दिया गया है। इसलिए उम्र जो है 25 रहता है उसको बढ़ा करके 28 किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने का जो फीस है दोस्तों 500 है, ठीक है। तो ST SC OBC के लिए 250 रहेगा और जब आप फॉर्म फिलअप, जब आप फर्स्ट एग्ज़ाम देने जाएंगे, CVT टेस्ट है, तो आपका जो है 500 जो जनरल OBC का है उसका 400 वापस हो जाएगा और जो ST SC OBC का है उसका जो 250 जमा किए रहेंगे उसका पूरा 250 वापस हो जाएगा जब एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे। तब एग्ज़ाम दिलाने नहीं जाएंगे तो आपका फीस वापस नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं करेक्शन के लिए 250 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए परीक्षा का चरण क्या क्या रहेगा। तो इसके लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट, पहले CVT टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें जिसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है, इस रिटर्न एग्ज़ाम में, मतलब 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, पोस्ट का 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है अगले स्टेप के लिए बुलाया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, सिलेबस क्या रहेगा आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो नकारात्मक अंकन होगा, 1/3 जो है निगेटिव माइनस मार्किंग किए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए इसके लिए और क्या क्या स्टेप जो है उसको हम बात करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके जो चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कितने स्टेप से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो आयु सीमा एक बार आप फिर से देख सकते हैं, 1/7/2024 तक जो है 20 से 25 उम्र और छूट दिया गया है 20 से 28, ठीक है। तो 20 से 28 तक, उसके साथ साथ 28 के बाद और छूट मिलेगा इन कैटेगरी के कैंडिडेट को, आप देख सकते हैं इनको जो है और अलग से छूट दिया जाएगा जो छूट दिया गया है उसके ऊपर, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने का शुल्क मैं पहले से बता रखा हूँ कि 500 लगेगा और 250 लगेगा कैटेगरी वाइज के अनुसार, ठीक है, जो कि वापस भी होगा जब आप एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे तब जो है फीस वापस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे दोस्तों, इसके बाद जो हम बात करते हैं सीधे अब चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी उस पर। तो भर्ती की प्रक्रिया उम्मीदवार को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। एक से अधिक आवेदन उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर सभी आवेदन रद्द किया कर दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए केवल आपको एक ही आवेदन जमा करना है। तो भर्ती प्रक्रिया में 3 चरण होंगे, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, शारीरिक मापन परीक्षण PMT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी RRB वेबसाइटों, SMS और ईमेल के माध्यम से पात्र उम्मीदवार को दी जाएगी, ठीक है। तो जो भी जानकारी, जो भी अपडेट आता जाएगा आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से आपका जो है आपको जानकारी मिलता रहेगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट में क्या रहेगा, देखिए इसका पैटर्न है, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 120 प्रश्न रहेंगे, निगेटिव मार्किंग किए जाएंगे और पास होने के लिए क्राइटेरिया रखा गया है, तो जनरल EWS और OBC NCL के लिए 35%, ठीक है, उसके बाद जो ST SC है उनको 30% लाने होंगे, ठीक है। ये हो गया पास होने की क्राइटेरिया, इसी में से जो है मेरिट के आधार पर फिर चयन किया जाएगा।
इतना नंबर लाना अनिवार्य है। अब देखिए सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो अंक गणित के 35 अंक आएंगे, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के 35 अंक आएंगे, उसके सामान्य जागरूकता से 50 अंक आएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 अंक के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा पीईटी और पीएमटी के लिए। आप सभी को मालूम है कि 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में निकालने होंगे पुरुष के लिए, और लंबी कूद 12 फीट है और ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच रहेगा। महिलाओं के लिए इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है, 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में करने होंगे कंप्लीट, और लंबी कूद की बात की जाए तो 9 फीट और ऊंची कूद 3 फीट रखा गया है। उसके जो ओबीसी एससी एसटी इनके लिए देख सकते हैं कि इनका हाइट, ठीक है, तो ये हाइट मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की और कुछ भी डाउट हो तो आप जो है दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हर एक जानकारी दिया जाएगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये सभी प्रमाण पत्र जब आपका चयन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी सभी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। इसके लिए आपको केवल ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, ठीक है। रेलवे बोर्ड का नाम इस प्रकार से देख सकते हैं, वेबसाइट का पता, इस वेबसाइट के माध्यम से जो है आप आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, आपको जहाँ अप्लाई करना है वहाँ से आप इस वेबसाइट के माध्यम से जो है आवेदन कर सकते हैं। देखिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या अधिसूचना में किसी भी बदलाव पर प्रामाणिक जानकारी नियमित अपडेट के लिए अक्सर आधिकारिक वेबसाइट पर जाए, तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपडेट लेते रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी जानकारी मिलता रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जैसे कुछ अपडेट आए आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सीबीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। एमई का चिकित्सा परीक्षा होता है, पीईटी का शारीरिक दक्षता परीक्षा। इस प्रकार ये शॉर्टकट दिया गया है, इन सभी का शॉर्टकट। अब देखिए इसके लिए जो कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो उप निरीक्षक के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास, ठीक है, जो जिनका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कांस्टेबल के लिए भी वीडियो बना रखा हूं कि कांस्टेबल के लिए यदि आपको अप्लाई करना है उसके बारे में जानना है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या कुछ जानकारी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको किसी भी प्रकार की कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पदों का आरक्षणवार विवरण इस प्रकार से देख सकते हैं, अनारक्षित के लिए 157 है, अनुसूचित जाति के लिए 57 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 28, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 104 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 है, कुल 384 उसके बाद महिलाओं के लिए इस प्रकार से आरक्षण। तो कुल मिला करके जो है पदों का विवरण आरक्षण वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है, ये प्रारूप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको मांगा जाएगा। साथ ही साथ जो है ऑनलाइन आवेदन के समय भी अपलोड करने को बोला जा सकता है, ठीक है। तो पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय एक बार देख लेंगे कि इसको जो है इनका क्या अपलोड करना है, ठीक है। तो ये इनको आपको बनवा करके रखना है ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है आप इसको प्रस्तुत कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।